हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुमित नारायण फ्रॉम K2S करियर जोन। और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा प्लस वन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, और ये टॉपिक है चैप्टर हाइड्रोडायनेमिक्स में से, और टॉपिक है बर्नौलीज थ्योरम और बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो जब भी ये क्वेश्चन हमारा फाइनल एग्जामिनेशन में आता है तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है, स्टेट एंड प्रूव बर्नौलीज थ्योरम। तो हमें इसको समझना होगा कि बर्नौलीज थ्योरम हमें क्या बताता है। बेसिकली पहली बात हमें यह समझनी है कि बर्नौलीज थ्योरम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। और जैसे मैंने बताया, ये जो टॉपिक है ये हाइड्रोडायनेमिक्स चैप्टर में से, मतलब हाइड्रोडायनेमिक्स मींस फ्लूइड इन मोशन। तो जब लिक्विड इन मोशन पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया जाता है तो हमारे पास बर्नौलीज थ्योरम की इक्वेशन आती है। तो पहली बात, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड टू लिक्विड इन मोशन। सेकंड, अब हमारे पास फिर क्वेश्चन आया कि स्टेट एंड प्रूफ, तो हमें स्टेटमेंट देनी है और उसका प्रूफ करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हमें ये देखना है कि जब एक लिक्विड मोशन में होता है तो उसके पास किस तरह की एनर्जीज होती है। तो हम इस फिगर को हम देखेंगे। इस फिगर में मैंने क्या किया है, एक क्रॉस सेक्शन ऑफ ए पाइप लिया है। तो यहां पर ए क्रॉस सेक्शन है और यहां पर बी क्रॉस सेक्शन है, और इस क्रॉस सेक्शन में से ए से बी की तरफ लिक्विड हमारा फ्लो कर रहा है। तो हमने जब लिक्विड को ए से बी की तरफ फ्लो करवाना है, तो सपोज करो पानी है, तो पानी को अगर मैं फ्लो करवाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं एक पंप लगा दूंगा और पंप से मैं पानी को कुछ प्रेशर दूंगा और उसके कारण वो ए से बी सेक्शन की ओर फ्लो कर लेगा। तो जब हमारे पास ए सेक्शन पे पानी होगा तो उसके पास उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा, पी वन। और जब ये पानी ए से बी जाएगा और बी से जब बाहर निकलेगा, जब वो बाहर निकल रहा होगा उस टाइम पे भी उसके पास कुछ प्रेशर होगा, दैट इज पी टू। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो क्रॉस सेक्शन ए है इसका एरिया हमने ए वन ले लिया है। ये हमने देखा है कि बिगर क्रॉस सेक्शन हमने माना है और ये हमने छोटा क्रॉस सेक्शन माना है। तो बी पे एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ सेक्शन बी इज ए टू। सिमिलरली जब ये फ्लूइड को हमने यहाँ से कुछ प्रेशर लगाया तो फ्लूइड फ्लो करने लगा। अब जब फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसको कोई वेलोसिटी मिल जाएगी बी वन, और वो बी सेक्शन में वेलोसिटी बी टू से मूव कर गया। अब हमने ये देखना कि इस फ्लूइड के पास एनर्जी क्या है। जब हमने इधर एक प्रेशर लगाया तो इस फ्लूइड के पास प्रेशर एनर्जी आ गई। जब उस प्रेशर के कारण फ्लूइड फ्लो किया और उसकी कुछ वेलोसिटी बन गई, तो इस वेलोसिटी के कारण इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी आ गई। और अगर हम इस सेक्शन को किसी भी डेटम कि हम मान लेते हैं कि हमने हाइट यहां से मापनी है दोनों सेक्शंस की, तो ए सेक्शन की हाइट h1 है और बी की h2 है, तो ए पे भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट, और बी पे भी कोई पोटेंशियल एनर्जी है। मतलब इन दोनों सेक्शंस पे तीन तरह की एनर्जी हम कंसिडर कर रहे हैं लिक्विड के ऊपर, कौन कौन सी, उसकी प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो हमने ये तीन एनर्जीज कंसिडर करनी है। ये अब हमें बात समझ आ गई है। अब हम आते हैं बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट पर। तो बर्नौलीज थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड द टोटल एनर्जी दैट इज द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास रिमेंस कांस्टेंट एट एवरी क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट द लिक्विड फ्लो। क्या मतलब है इसका, बर्नौलीज थ्योरम हमें यह बता रही है कि भाई जब एक आइडियल लिक्विड स्ट्रीमलाइन फ्लो में होगा उस टाइम पर वो हर एक क्रॉस सेक्शन पर उसके पास जितनी टोटल एनर्जी है ना हमेशा वो कांस्टेंट रहेगी, मतलब सेम रहेगी। अब उसके पास कितनी कैसी एनर्जी है, यहां पर हमने देखा कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी है। तो इन तीनों का सम अगर हम करें तो हमारे पास पता लग जाएगा कि हमारे लिक्विड के पास टोटल एनर्जी कितनी है। और जब हम सेक्शन बी पे जाकर के इन एनर्जीज का टोटल सम करेंगे तो उन तीनों का सम भी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम बिल्कुल सेम आएगा जैसा सम यहाँ पर ए पे आ रहा था। मतलब टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड एट बी। तो लिक्विड की एनर्जी यहाँ पे जितनी टोटल है लिक्विड के पास उतनी एनर्जी वहां पर होगी। तो ये चीज को अब हम प्रूफ करेंगे। तो स्टेटमेंट हमें समझ आ गई है, अब हम इसका प्रूफ देखते हैं कि हम कैसे करेंगे इसको प्रूफ। नाउ सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने फिगर को मैंने आपको बता दिया है, हमने क्या किया, सेक्शन ए लिया, सेक्शन बी लिया। ए के ऊपर प्रेशर है P1, वेलोसिटी V1 से हमारा लिक्विड फ्लो कर रहा है। ए क्रॉस सेक्शन का एरिया है A1 और ये कोई भी आर्बिट्रेरी एटम से H1 हाइट पे है। सिमिलरली हमारा B जो क्रॉस सेक्शन है वो वहां पे प्रेशर है P2, एरिया है A2
वेलोसिटी है v2 और उसकी हाइट है हमारे हाइड्रेटेड एटम से h2। इससे पहले हमने एक कंटिन्यूटी इक्वेशन की थी। कंटिन्यूटी इक्वेशन से हमारे पास क्या आया था, मास ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड इज इक्वल टू a1 v1 * rho इज इक्वल टू a2 v2 * rho व्हिच इज इक्वल टू m। तो हमारे पास a1 v1 rho इज इक्वल टू a2 v2 rho था। अब यहां पे rho दोनों तरफ भी rho 1 या rho 2 आ सकता था, लेकिन हमारा लिक्विड इनकंप्रेसिबल है इसलिए हमने यहां पे दोनों जगह rho लिखा है, दैट इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये है वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ सेकंड क्रॉस सेक्शन एंड वेलोसिटी एट दैट क्रॉस सेक्शन। अब हम इस रो को मास के नीचे ले जाते हैं, यहाँ पे a1 v1 रह जाएगा, यहाँ पे a2 v2 और ये क्या आ जाएगा m by rho। m by rho होता क्या है, वॉल्यूम, जबकि मास क्या था, मास फ्लोइंग पर सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड आ गया। और इसको हम कैपिटल v से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना है हमने वेलोसिटी को स्मॉल v से और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड को कैपिटल v से डिनोट किया है। अब हमारे पास ये चीज ध्यान देंगे हम, a1 v1 = a2 v2 आ रहा है, मतलब a1 और v1 की प्रोडक्ट a2 v2 की प्रोडक्ट इक्वल होगी, और जो हमने क्रॉस सेक्शन माना है उसमें हमारा a जो सेक्शन है उसका एरिया बड़ा है, इसका मतलब a1 बड़ा है और a2 छोटा है। तो अगर a1 v2 से बड़ा है तो v1 v2 से छोटा हो जाएगा, और हम कैसे कह सकते हैं v2 v1 से बड़ा हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी लिक्विड की d पे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया यहाँ पे। अब हम आते हैं, जब हमने यहां से कुछ प्रेशर लगाया, तो प्रेशर जब हमने लगाया तो इसके ऊपर फ्लूइड के ऊपर एक फोर्स लगी, तो फोर्स ऑन लिक्विड कितनी लगी उस लिक्विड पे फोर्स, तो हमारे पास फोर्स ऑन लिक्विड एट सेक्शन ए में लिक्विड पे कितनी फोर्स लग रही है, यहाँ पे P1 है प्रेशर और A1 है हमारा एरिया, तो प्रेशर क्या होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स निकालने को क्या करना पड़ेगा प्रेशर इनटू एरिया कर दो, तो फोर्स ऑन लिक्विड एट सेक्शन ए क्या आ जाएगा P1 इनटू A1। सिमिलरली बी पे आ जाओ, फोर्स ऑन लिक्विड एट सेक्शन बी पे कितनी फोर्स निकल रही है P2 इनटू A2 आ जाएगी हमारे पास, तो ये हमारे पास फोर्स आ गई। अब देखने वाली बात यह है, वर्क डन पर सेकंड ऑन लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी। अब हुआ क्या, हमने यहां से प्रेशर लगा के ए से बी की तरफ लिक्विड को फ्लो करवाया, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ए पे प्रेशर के कारण लिक्विड पे हमने काम कर दिया, इसी काम के कारण लिक्विड हमारा ए से बी की ओर चल पड़ा है, तो हमारे पास क्या हुआ, वर्क डन पर सेकंड ऑन द लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी, जो प्रेशर एनर्जी हमने यहाँ पे क्रिएट की उसने कितना वर्क किया हमारे लिक्विड पे एट सेक्शन ए, ये निकालते हैं, और वो भी हमने क्या निकालना है, वर्क डन पर सेकंड निकालना है। बेटा वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और अगर वर्क डन पर यूनिट टाइम निकालना हो हमें तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम कर देंगे, और डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम क्या होता है वेलोसिटी होती है, तो a1 फोर्स इनटू वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो वर्क डन पर सेकंड क्या हो जाएगा, हमने फोर्स निकाली p1 a1 और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स को वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी यहां पे कितनी है लिक्विड की v1, तो p1 a1 * v1 हमारे पास आ गया वर्क डन पर सेकंड ऑन द लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी। अब a1 v1 की वैल्यू इससे पहले हम निकाल चुके हैं, a1 v1 किसके इक्वल आ चुका है हमारे पास कैपिटल v के, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकंड, तो ये हमारे पास आ गया p1 * v, इतना काम लिक्विड के ऊपर सेक्शन ए पे कर दिया गया प्रेशर एनर्जी के द्वारा। इसके बाद अब फ्लूइड यहां से फ्लो करके बी तक पहुंचा, और बी पे क्या हुआ, फ्लूइड के पास कुछ यहां पर वेलोसिटी थी और वो उतनी वेलोसिटी से बाहर भी निकल गया, तो इसका मतलब फ्लूइड ने वहां पे कुछ काम कर दिया है, तो यहां पे बी पे फ्लूइड बाहर निकलता हुआ कुछ काम कर रहा है, तो वर्क डन पर सेकंड बाय लिक्विड एट सेक्शन बी। अब फिर से वर्क डन पर सेकंड निकालना, तो क्या करना पड़ेगा, वहां पे जितनी फोर्स है और जितनी वेलोसिटी है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो लिक्विड उतना काम वहां पे कर रहा है, तो वहां पे फोर्स कितनी थी p2 * a2 और वेलोसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है v2, तो यहां पे फिर से a2 * v2 फिर क्या है कैपिटल v है यहां से, तो हमारे पास फिर से हमने क्या निकाल दिया p2 * v। इससे हमें क्या पता लगा, लिक्विड पे यहां पे कुछ काम हो गया और लिक्विड ने कुछ काम b से निकलते हुए कर दिया, तो अल्टीमेटली हमने कितना लिक्विड पे काम किया, तो नेट वर्क डन ऑन लिक्विड बाय प्रेशर एनर्जी इज p, पहला कितना किया माइनस कितना लिक्विड ने कर दिया, तो p1 * v माइनस p2 * v, तो इतना वर्क लिक्विड पे प्रेशर एनर्जी ने कर दिया। और ये वर्क ने क्या किया,
इस प्रेशर एनर्जी के कारण जो लिक्विड पे काम हुआ उसके कारण लिक्विड फ्लो करने लग गया, तो इसकी वेलोसिटी बन गई। वेलोसिटी के कारण क्या बन गई? काइनेटिक एनर्जी। और हम ये भी क्लियरली देख रहे हैं जो हमारा सेक्शन ए है वो बी से ज्यादा हाइट पे है, तो हाइट के कारण यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ थी और यहाँ पे वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है क्योंकि हाइट बढ़ गई है। तो इसका मतलब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो गई है और पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो गई है। और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हमें यही कहता है कि वर्क आप करोगे तो एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क एंड एनर्जी आर इंटरकनेक्टेबल थिंग्स, तो हमारे इस वर्क के कारण उसके पास एनर्जी में इंक्रीज आ गया है। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब बी पे जितनी है माइनस ए पे कर दो तो आपके पास आ जाएगा कितना इंक्रीज हुआ काइनेटिक एनर्जी का। तो बी सेक्शन में कितनी काइनेटिक एनर्जी है? हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज लिक्विड की। और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे आएगा? पोटेंशियल एनर्जी है 2mgh2 माइनस mgh1। तो ये दोनों तरह की एनर्जी बढ़ गई और ये हमने काम कर दिया, तो जितना काम किया है उतनी ही एनर्जी बढ़ेगी। तो जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इट विल बी इक्वल टू इक्वेशन 2 प्लस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये इक्वेशन लिख देते हैं v1v माइनस v2v व्हिच इज इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस mgh2 माइनस mgh1। अब हम क्या करेंगे, जो 1 वाली हमारे पास टर्म्स है जैसे हाफ एम वी वन स्क्वायर है mgh1 है इनको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं और 2 वाले टर्म्स को राइट हैंड साइड पे रख लेते हैं और दोनों साइड्स को m स्मॉल m से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आता है देखो, p1v आ गया इधर आके हाफ एम वी वन स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो प्लस हो गया और mgh1 भी प्लस हो गया। और मैंने कहा दोनों साइड्स को स्मॉल m से डिवाइड कर देना क्योंकि पर यूनिट मास उन्होंने बोला था हमारे को बर्नौली थ्योरम क्या कहती है पर यूनिट मास, तो हम पर यूनिट मास निकाल लेते हैं। तो डिवाइडेड बाय m हाफ m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय m प्लस mgh1 डिवाइडेड बाय m व्हिच इज इक्वल टू ये p2v उधर जा गया पॉजिटिव हो गया तो p2v बाय m प्लस हाफ m v2 स्क्वायर बाय m प्लस mgh2 बाय m। तो यहां पर m से m कैंसिल हो गया m से m कैंसिल हो गया m से m कैंसिल हो गया और ये भी m से m कैंसिल हो गया। तो इधर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या बन गई देखो p1v बाय m मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होती है डेंसिटी और वॉल्यूम पर यूनिट मास क्या होता है 1 अपॉन डेंसिटी तो p1 बाय रो आ गया प्लस हाफ v1 स्क्वायर प्लस gh1 व्हिच इज इक्वल टू p2 बाय रो प्लस हाफ v2 स्क्वायर प्लस gh2। मतलब क्या हुआ ये हमारे पास क्या है p1 बाय रो क्या है p1 बाय रो है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास एट सेक्शन 1। तो लिक्विड के पास कितनी प्रेशर एनर्जी है पर यूनिट मास एट सेक्शन 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की एट सेक्शन 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की एट सेक्शन 1 इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी लिक्विड की एट सेक्शन 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी लिक्विड की एट सेक्शन 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड की एट सेक्शन 2। और यही बर्नौली थ्योरम हमें कह रही थी कि टोटल एनर्जी जो होगी वो सेम रहेगी कंजर्व रहेगी। मतलब ये टोटल एनर्जी 1 सेक्शन ए पे है और ये लिक्विड की टोटल एनर्जी सेक्शन बी पे है, दोनों सेम आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया p by rho plus half v square plus gh is equal to constant। और इसी तरह हमारे हमने बर्नौली थ्योरम को प्रूफ कर दिया। तो हेंस प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ द बर्नौली थ्योरम जो कि हमें क्या कहते थे कि भाई जो टोटल एनर्जी है प्रेशर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का जो सम है पर यूनिट मास वो हर क्रॉस सेक्शन पे पूरे लिक्विड के फ्लो के दौरान कांस्टेंट रहता है या हम कह सकते हैं सेम रहता है। तो ये हमारी बर्नौली थ्योरम और बर्नौली प्रिंसिपल से जाना जाता है टॉपिक और ये कई बार एग्जाम में आता है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। होपफुली अब ये वाला टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी प्लस वन या प्लस टू के टॉपिक्स में कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भेजो, मैं उन पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज सब्सक्राइब टू आवर चैनल।